अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे अल्लाह ताला की रहमत करम से। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि गर्मियों का सीजन आ चुका है, तो जब गर्मी आती है तो गर्मी ज्यादा लगती है, तो हम गर्मी से बचने के लिए घरों में रूम कूलर का इस्तेमाल करते हैं। जो लोग एसी अफोर्ड नहीं कर सकते या जिनको एसी की हवा अच्छी नहीं लगती, रूम कूलर के आदि होते हैं या नेचुरल हवा के आदि होते हैं, सीजन होता है ये महंगे हो जाते हैं, तो हर साल नया लेना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो उसका फिर जो पुराने कूलर होते हैं उनमें सबसे ज्यादा मसला जो चादर के नीचे से पानी की लीकेज होती है उसका मसला होता है। साइड वाली खसे हम लोग न्यू डलवा लेते हैं, लेकिन जो पानी की लीकेज होती है वो हमारे लिए मसला करते हैं। तो उसके लिए मैं दोस्तों एक सोल्यूशन आपके लिए लेकर आया हूँ। ये हमारे पास मास्टर पेंट की तरफ से मिस्टीरियो पट्टी होती है, ये केमिकल होता है साथ, ये इसका छोटा सा एक डब्बी होती है, इसके अंदर मिक्सर दोनों को मिक्स करके इस जहां पानी वाली जो पट्टी होती है, चादर होती है, उसको आप लगाएंगे। लगाने के बाद सूखने के लिए छोड़ देंगे, फिर वो जो पानी की लीकेज है वो खत्म हो जाती है। तो अब हम इसको लगाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरह इसको मिक्सअप करते हैं, ये कैसे लगता है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और आगे शेयर भी कर दें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो जल्दी से हम इसका मिक्स शुरू करते हैं। अंदर से मैं आपको इसकी चादर दिखाता हूँ, ये चादर कैसी है और ये लीक क्यों होती है। बेसिकली ये जो कूलर की चादर होती है वो नीचे से चारों तरफ से जुड़ी हुई नहीं होती, जस्ट उन्होंने फोल्ड करके नीचे लगाई होती है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो लूज हो जाती है वक्त के इस्तेमाल से, तो उसमें होल होना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए ये एक जबरदस्त इलाज है, सबसे बेस्ट इसका जो सोल्यूशन है। 150 से 200 रुपए की ये मिलती है, या आपको किसी भी पेंट की शॉप से मिल जाएगी, वहां से लेके आप इसको जोड़ सकते हैं। चले जी, मैं आपको जोड़ के दिखाता हूँ और सारा प्रोसीजर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैंने मैलूल बना लिया है, इसमें ये दोनों चीजें, ये और ये चीज मैंने दोनों मिक्स कर लिया। ये थोड़ा सा डालेंगे, ये ज्यादा डालेंगे, ठीक है। ये मिस्टीरियो पट्टी और इसको मिक्स कर लिया है। अब जल्दी से हम इसको कूलर में जहां जहां लीकेज है वहां लगाते हैं जी। दोस्तों ये देखें, ये वाली चीज या उधर से वो वाली चीज और उधर से वो वाली चीज आपको नजर आ रही है, और इधर से ये वाली चीज, यहाँ पे हम लोगों ने करना है पेंट। इतने खसे ये देखें, आजकल ये वाली खसे आई हुई है मार्केट के अंदर, ये देखें, ये 3 इंच मोटी हैं, 1 इंच की भी हैं, 2 इंच की भी हैं, 3 इंच की भी हैं। आपने 3 इंच वाली लगानी है। ये खसें आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रही हैं, आपको 3000 से 3500 में मिल जाएंगी, ये आपको डाल देंगे। ये खसें VIP हैं, ये देखें मैंने ये लगवाई हैं, और कूलर की कंडीशन देख सकते हैं, बस थोड़ा बहुत जंग लगा हुआ है, वो मैं पेंट लेकर आया हूँ, पेंट से इसको मैं ठीक कर दूंगा। दोस्तों ये देखें, ये मैंने लगा दिया है, ये इस साइड पे लगा दिया है, इस साइड पे भी लगा दिया है मैंने, और अगर इस साइड पे देखें, इस साइड पे भी मैंने लगा दिया है, और इस साइड पे देखें तो इस साइड पे भी मैंने लगा दिया है। अब इसको हम सूखने देंगे, अच्छी तरह सूखने देंगे, ताकि सूखने के बाद ये सही तरीके से फिर पता लगेगा। ये अब देखें, अगर हम इसको हाथ लगाएं तो ये सूखना शुरू हो गया, ये देखें, ये इसको आपने जल्दी जल्दी से लगाना होता है, वरना ये 5-10 मिनट के अंदर ये केमिकल इस पे लगा होता है, ये सूख जाता है। दोस्तों ये देखें, अब मेरे हाथ सारे खराब हो गए हैं, जल्दी से इसको मैं हाथ धो रहा हूँ, क्योंकि हाथ अगर आप नहीं धोगे, ये देखें, ये आपको चिपकने लग जाता है और ये फिर हीट पकड़ना शुरू कर देता है। तो आपने जल्दी से अपने हाथ धो लेने या ग्लव्स इस्तेमाल कर लेने, मेरे पास ग्लव्स नहीं थे तो मैंने नहीं किए, तो आपने जल्दी से इसको हाथ धो लेने।
दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह उसको बड़े अच्छे तरीके से मैंने जोड़ लिया है चारों तरफ से। अब इसका जो है अंदर से जो जुड़ा हुआ है अब इसको मैंने सूखने के लिए रख दिया है। एक दो घंटे लगेंगे, वैसे तो अभी भी सूख गया है लेकिन अच्छे तरीके से एक दो घंटे लगेंगे, उसके बाद ये प्रॉपर सूख जाएगा। फिर इसके अंदर मैं पानी डाल के चेक करूंगा कि ये दोबारा लीक होता है या नहीं होता, लेकिन उम्मीद है मुझे क्योंकि ये चीज बड़ी स्ट्रांग है, जबरदस्त है, ये आपको आसानी से मार्केट के अंदर मिल जाएगी। तो दोस्तों मेरी आज की वीडियो में उम्मीद करता हूं कि जो सोल्यूशन मैं रूम कूलर के लिए लेकर आया हूं वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होगा। आप घर में आसानी से बैठ के आप इसको रूम कूलर को सेट कर सकते हैं, लीकेज ऑफ वाटर उसको खत्म कर सकते हैं। किसी भी कारीगर के पास जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो आपसे 1000-1500-2000 ले लेगा, कहेगा कि चादर नहीं डलेगी या कुछ इस तरीके से इशू वगैरह जो होंगे वो आपसे डिस्कस करेगा, जबकि इसका असल सोल्यूशन यही होता है। तो आप इसको घर में ही बैठकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इसको आगे शेयर भी करें ताकि दूसरों को भी इसका फायदा हो। इसी के साथ जुबैर शाह को दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।